जॉन बिस्वास बहुत ही एक कमज़ोर आदमी है और जो आवाज़ है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर और दिल के अंदर से निकलने वाली आवाज़, ऐसा क्लिंटन चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इसे खुल करके गाना गाऊं। ऐसा लगना चाहिए कि यदि अगर मैं कहीं अकेला बैठा हुआ हूं और अपनी पोती के बारे में सोच रहा हूं या उसके साथ जो भी हुआ है तो किस तरह की आवाज़ निकलेगी, एक सोच की तरह निकलनी चाहिए आवाज़, और यही कोशिश की गई। हमारा मन बहलाने के लिए जब हमारे गाने की रिकॉर्डिंग शेष हो गई दो बजे रात को, तो इन्होंने बताया कि एक और गाना है, क्लिंटन ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। इसे सुनाने के दो मकसद थे, एक तो ये कि आप सुनिए कि कैसा गाना है, दूसरा कि एक्चुअली गाना कैसे गाया जाता है, अब सुनिए आप। और वो गाना हमारे प्रिय दोस्त और हमारे निकट संबंधी मैं कहूँगा विशाल ने गाया है, और जैसे ही हमने उसे सुना मैंने कहा यार ये गाना, सिर्फ यही गाना होना चाहिए फिल्म में, और बहुत ही सुंदर आपने उसको कंपोज़ किया है और अति सुंदर तरीके से विशाल ने उसे गाया है। बहुत ही सक्षम कलाकार हैं या इनके स्टूडियो में भी मैंने बैठ करके, एक और पागल इंसान है जो यहाँ है नहीं अभी, इसका नाम है सुजय घोष, उसने भी एक गाना गवा दिया था मुझे, वो विशाल के साथ और शिखर के साथ हमने गाया था, लेकिन सही मानों में मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना है।